तो स्टार्ट करते हैं। डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, जैसे जो साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स टेन एक्स ये सब पढ़ रखे हैं हमने, तब इनके थोड़ा सा ग्राफ भी देखते हैं। ठीक है बेटा, बेटा डोमेन और रेंज, पहले देखो अपन लोग जब इसको फंक्शन में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब 12th में फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप लोगों को ये चीज जो बताया जा रहा है उसको आप लोग सीखो। ठीक है, वन बाय वन कैसे डोमेन और रेंज आप लोगों को अभी पहले ये चीज लिख लीजिए। डोमेन के बारे में थोड़ा देखिए बेटा, जो डोमेन होता है जैसे ग्राफ आपका एक्स और वाई बनाया गया, एक्स और वाई का, जैसे मान लीजिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो बेटा जो एक्स की जितनी एक्स में जो जो वैल्यू, मतलब एफ एक्स सेटिस्फाइड होने के लिए एक्स में जितनी सारी वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, एफ एक्स में जो जो वैल्यू रख दी जाएगी, तो जो जैसे एक्स जैसे कोई ग्राफ आपका बना है तो एक्स एक्सेस में जितनी वैल्यू होंगी और वो फंक्शन में रख दी जाएंगी, जितनी जब ये फंक्शन सेटिस्फाइड कर रहा है वो बेटा आपका डोमेन होगा। ओके, और रेंज क्या हो जाएगी बेटा, जब एक्स की वैल्यू आप रखोगे किसी फंक्शन में जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, जो निकल के वाई की वैल्यू आएगी, तो वो आपकी रेंज हो जाएगी। बेटा बोलो ये चीज क्लियर हुआ? यस। डोमेन बेटा बस अब जैसे ग्राफ में देखते हैं तो ग्राफ में डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर ग्राफ देखते हैं। एक बार क्या देखो बेटा, डोमेन जो होता है जैसे y इक्वल टू कोई f(x) फंक्शन दिया गया है, तो x में जितनी सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइंड हो x की सारी वैल्यू डोमेन कहलाती है। ओके, क्लियर हो बेटा? ओके सर। और रेंज क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जैसे x की वैल्यू रखी गई इसमें डोमेन आपने रख दी, जो करस्पॉन्डिंग f(x) देगा तो वो आपका ये जो y इक्वल टू निकल के आएगा वो रेंज हो जाएगा। अभी आपको और हमें केवल इतना ही सीखना है, 12th में डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे फंक्शन बाय फंक्शन, अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं, केवल अभी हमें देखना है कि डोमेन और रेंज क्या क्या होता है। ठीक है, समझे? अब बेटा देखो ग्राफ में देखते हैं, अब ग्राफ में डोमेन और रेंज किसे बोलते हैं बेटा? देखो ग्राफ जैसे आपका बनाया गया, जैसे कुछ आपका मान लो ग्राफ ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, यदि आपको कुछ ग्राफ कुछ ऐसे 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 कुछ भी बनाया गया, तो बेटा जो देखो यहाँ पर जो ग्राफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक ग्राफ बन रहा है, तो आपको इस चीज को देख के ये चीज बोलना पड़ेगा जो एक्स की सारी वैल्यू इसमें रखी जा रही है। यस नो? मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल मतलब एक्स की सारी वैल्यू डोमेन में रखी जा रही है, या इसको ये भी बोल सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक कि सारी वैल्यू डोमेन इसकी क्या होगी बेटा, यदि आपका जो ग्राफ की एक्स एक्सेस में जो सारी देखो सारी वैल्यू ग्राफ ले रहा है। ओके, तो बेटा जो इसकी डोमेन हो जाएगी या तो रियल बोल दो या तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट बोल दीजिए। क्लियर हुआ बेटा? यस। ओके, अभी देखेंगे, बहुत इजी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब बेटा रेंज देखो, अब रेंज ग्राफ से देखो, यदि वाई में जितना ग्राफ मैक्सिमम जाए, मैक्सिमम वाई पे देखो मान लो यहाँ पर मैक्सिमम टू पर ग्राफ जा रहा है और मिनिमम यहाँ पर देखो ये मिनिमम माइनस टू पे जा रहा है, इसकी जो रेंज आ जाएगी तो वाई में जितना ग्राफ ट्रेवलिंग कर रहा है, एक्स में जितना ग्राफ ट्रेवल कर रहा है वो डोमेन आ रहा है, और वाई में जितना ग्राफ ट्रेवल कर रहा है मतलब देखो माइनस टू 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 तक ट्रेवल कर रहा है। यस या नो? बोलो। यस सर। मैक्सिमम देखो मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं, तो मिनिमम ग्राफ देखो बेटा मिनिमम माइनस टू तक ट्रेवल कर रहा है और मैक्सिमम प्लस टू तक ट्रेवल कर रहा था, इसकी जो रेंज आ जाएगी, इस ग्राफ की रेंज क्या आ जाएगी, माइनस टू टू टू। ओके, क्लियर हो बेटा? यस सर। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद हम वन बाय वन फंक्शन लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अभी हमें पढ़ना है इसकी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं वन बाय वन। सर
आपने पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया था वो एक बार सॉल्व कर लूंगा बेटा, मैं लास्ट में कर दूंगा। ठीक है सर, रेंज को 2, -2 क्यों नहीं लिखा बेटा? रेंज जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की होती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यदि सारे फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री के है वो सब कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे बेटा, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यदि y = fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जो रेंज आएगी वो मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू पहले लिखी जाएगी इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी। ओके, एम स्मॉल एम का मतलब मिनिमम है और कैपिटल एम का मतलब मैक्सिमम है। ये बेटा नोटेशन और लिखने का तरीका होता है। ओके विजय, इसको भी नोट कर सकते हो। यदि y इक्वल टू fx कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसकी जो रेंज कैसे लिखी जाएगी, पहले मिनिमम वैल्यू लिखी जाएगी स्टार्टिंग में और ये मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाएगी। ये बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट है, इतना तो पता चल ही गया होगा आपको ना, ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, ये सब पता है कि नहीं पता आपको? ये भी बता दू, देखो बेटा सेमी क्लोज्ड क्या है, देखो बेटा इसको आप क्लोज्ड बोलते हैं, इसको आप ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बेटा यदि ये है इसको सेमी क्लोज्ड बोलेंगे या सेमी ओपन, बात एक ही है। ठीक है, या इसको भी सेमी ओपन है क्लोज्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस यस सर। नोट कर लो बेटा, ये लास्ट वाला भी सर सेमी क्लोज्ड है। यस बेटा, ये भी सेमी क्लोज्ड है या सेमी ओपन भी बोल सकते हो, कुछ भी लिखा हो तो आप बुक में कंफ्यूज मत होना। ठीक है सर, सर इसमें डोमेन रियल है या माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी? बेटा ये रियल बोलो या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बोलो, बात एक ही है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में सारी वैल्यू ले रही ली जा रही है। यस या नो? यस सर। तो ये रियल बोल दो या तो फिर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बोल दो। ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब ठीक है बेटा, इतना नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन 1y1 देखते हैं। मेरा नोट हो गया? यस बेटा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में ना, मतलब जैसे ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें समझ जाओगे ना आप लोग डोमेन और रेंज क्या होगी? बोलो बेटा, यस या नो? यस सर। सर डोमेन बता दो ना, ये ग्राफ में क्या होगा? बेटा डोमेन जैसे ये ग्राफ है आपका, देखो ये माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो x में ग्राफ जितना मूव करेगा उतना आपका सारा कुछ डोमेन होता है। ठीक है, इजी वे में देखते हैं, क्लियर हो बेटा? और y में ग्राफ जितना मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टच करे पॉइंट को, तो वो आपकी रेंज होती है। ठीक है, अब बेटा 1x1 देखते हैं अपन लोग। ठीक है, पहला ग्राफ स्टार्टिंग करे साइन एक्स, क्योंकि हमें सबसे अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही लगता है। यस या नो? यस। और बेटा अभी हम इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ पढ़ाएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें ग्राफ पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उससे ये ग्राफ अभी तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं, इसके बाद फिर उसमें आप लोग कुछ देखोगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, ये चीजें आप लोग ये मत सोच लेना कि नहीं हमें सब एक दिन में ही सीख जाए, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है बेटा, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है,
यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। और बेटा जो इसकी मैक्सिमम जो ग्राफ ये टच करता है, बेटा ये जो जितने हैं सब एक ही पे टच करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है उसका फर्क ना लेना, ठीक है? आप लोग टेंशन मत लेना कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ये बेटा मैक्सिमम वन पे टच कर रहा है इसका, और मिनिमम ये माइनस वन पे टच करेगा। ओके, ये आपका बेटा क्या होता है, साइन एक्स ग्राफ। बेटा क्योंकि आपको पता है, ये चीज पता है कि नहीं, देखो यहां पर बेटा ये पाई बाई टू होगा, यहां पर पाई होगा, यहां पर ऐसे थ्री पाई बाई टू होगा, ऐसे यहां पर टू पाई होगा। मतलब जो ये सर्कल है, मतलब जो जीरो टू पाई, यहां पर जीरो होगा। अच्छा आप लोग ये चीज तो थोड़ा सा पता है, मैं वैल्यू बताता हूँ। साइन जीरो वैल्यू कितनी होती है, बोलो बेटा? जीरो। तो बेटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो हमने देखो यहाँ पर जीरो रखा है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या बताया था, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ है, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स ले लिया हमने यहाँ पर। बेटा साइन नाइनटी की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई टू वन। तो देखो बेटा यहाँ पाई बाई टू पे आपको वन दिख रहा है, यस या नो, बोलो? यस सर। ओके, अब बेटा जैसे आपसे बोला जाए साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, फिर जीरो होती है, यस या नो? Yes. बेटा देखो साइन पाई पे फिर जीरो हो रहा है, वाई की वैल्यू जीरो हो रही कि नहीं हो रही? ये बेटा आपकी सारी वाई की वैल्यू, ये क्या है आपका एफ एक्स है, देखो वाई। तो बेटा आपको कुछ ग्राफ का आइडिया चल रहा है कि ग्राफ हमारा ऐसे ही ड्रा होगा, ठीक है? तो आप लोग ड्रॉ कर लो वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा इसकी थोड़ा सा ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी बताओ आप लोग? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, या तो इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बोल देते हैं। अच्छा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पर क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा? ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट होगा। क्योंकि बेटा माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट ये बेटा एक लार्ज नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, लिख लो आप लोग, शायद मैंने लिखा भी चुका हूँ, लिखा चुका हूँ जी? नहीं सर। जो बेटा इनफाइनाइट इनफाइनाइट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता, ये बेटा लार्ज नंबर एक बहुत बड़े नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, आपसे इंटरव्यू वगैरह में कभी कभी पूछा जा सकता है केवीपीवाई वगैरह में कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को क्या शो करोगे, तो इनफाइनाइट बोला जाए आपसे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉजिटिव लार्ज नंबर, और माइनस इनफाइनाइट आपसे बोला जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए निगेटिव लार्ज नंबर। ओके, लिख लो बेटा इसको नोट बना के, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज नंबर। बेटा यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब बेटा देखो अब इसकी डोमेन तो आ गया, अब इसकी रेंज यार कोई बता दे बच्चा हमें। माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। ओके, माइनस वन टू वन में क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज्ड। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ग्राफ में वन और माइनस वन आ रहा है, ठीक है? इसमें क्या होएगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। बेटा लिख लो आप लोग, इसकी आप लोग डोमेन पता चल गई, इसकी रेंज भी पता चल गई। तो अब आपसे कोई साइन एक्स की डोमेन पूछेगा तो क्या बताओगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब बेटा रियल भी तो होगी, यस या नो? यस सर। बेटा रियल कोई बोल दे या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बोल दो तो इसकी डोमेन साइन एक्स की डिफाइंड हो गई। अब इसकी रेंज क्या आएगी, माइनस वन से वन। बेटा इसका ग्राफ अभी आपको थोड़ा सा देखो यार लर्न करना पड़ेगा, इलेवंथ में, ट्वेल्थ में तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, अभी तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं कि ग्राफ कैसे बना था, ठीक है? अब बेटा सेकंड ग्राफ जो आता है वाई इक्वल टू कॉस एक्स, हमारी यार आर्ट बहुत वीक है तो इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना। ओके, ये बेटा माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। देखो अब यहां पर वैल्यू वन और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आ रही, माइनस वन। अच्छा आपसे बेटा पूछा जाए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है कि नहीं होता, बोलो बेटा? यस सर, होता है कॉस जीरो। तो देखो बेटा यहाँ पर कॉस जीरो वन दे रखा है, ठीक है?
बेटा देखो cos cos 90 कितना होगा, ये बेटा 90 है, पाई बाई टू जीरो, ये क्या है जीरो पाई, ये क्या है बेटा थ्री पाई बाई टू, ऐसे बेटा इधर भी आएगा ये माइनस पाई बाई टू, ये क्या आएगा माइनस पाई। तो बेटा आपको ये चीज पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बेटा माइनस वन, वन माइनस वन, ये ग्राफ से भी देख के लग रहा है cos पाई की वैल्यू माइनस वन। ओके अब बेटा देखो ये आपका हो गया cos x ग्राफ, अब इसकी डोमेन देख लेते हैं, डोमेन क्या आएगी बेटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या x बिलोंग्स टू रियल। ओके इसकी रेंज क्या आएगी बेटा माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। ओके नोट कर लो यार, बेटा कोई डाउट है बोलो, कोई भी डाउट हो छोटा से छोटा डाउट भी हो तो पूछ लेना अभी, कोई चीज आपके मन में आ रही हो कि नहीं यार कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो क्वेश्चन प्लीज अपने मन पे मत रखना, उसको तुरंत मेरे से बोलो कि नहीं ये चीज थोड़ा सा डाउट में आ रहा है मेरे। बेटा नोट हो जाए तो बोल देना आप लोग, हो गया सर, और बहुत अच्छे से बनाना ठीक है, आप जो नोट्स बनाना बहुत अच्छे से बनाना, टाइम ले लेना आप लोग लिखने के लिए। अब बेटा साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया, अब क्या आएगा वाई इक्वल टू टेन एक्स, टेन एक्स। इसका ग्राफ थोड़ा सा अजीब सा बनता है देखते हैं, आपको बेटा ज्यादा क्लियरली देखना, देखो मेरा यदि आपको थोड़ा सा गंदा सा ग्राफ दिखे तो आप लोग ज्यादा क्लियरली सब ग्राफ बुक में बने होंगे ठीक है, उसमें ज्यादा क्लियरली दिख जाएगा, जैसे आपको नहीं लगे कि थोड़ा सा गंदा सा ग्राफ है यार सर का तो मैं थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊं तो फिलहाल आपकी बुक में सारे ग्राफ मिलेंगे। सर 1090 नॉट डिफाइंड होता है इसलिए ऐसा बन रहा है, तो हाँ देखो नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है ना तो इसलिए देखो ऊपर जा रहा है, यस या नो 1000 होता है आपको एक वैल्यू आ रही तो ग्राफ ड्रॉ करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अभी जब क्वाड्रेटिक में पढ़ाऊंगा ना मैं बेटा लेक्चर ही लूंगा तब तक 8 से 10 दिन आपको केवल ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा। ओके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बेटा कुछ ऐसे ही ग्राफ आएगा, ये बेटा इसमें टच करेगा सॉरी, बना लो बेटा। अब इसकी कोई डोमेन बता यार, इसकी डोमेन तो आप लोग नहीं बता पाओगे यार, हमें तो बड़ा हार्ड लग रहा है, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये बेटा इसकी डोमेन है जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। रेंज यार कोई बता दे एक बार, रेंज तो आपको दिख रही होगी यार, ग्राफ देखो कहां से कहां तक जा रहा है, रेंज है तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या वाई बिलोंग्स टू रियल। ओके बेटा डोमेन ऐसी क्यों आई, रियल देखो रियल मतलब इसमें देखो पूरा तो लेगा ही लेगा, बट ये 2n प्लस 1
पाई बाई टू ये क्यों हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा? यस या नो, लग रहा है क्या ऐसा कुछ? यस सर। तो बेटा देखो यहां पर आप एन बिलोंग्स टू इंटीजर बोला गया, तो एन इक्वल टू जीरो रख दो, तो जीरो रखने पर कितना आएगा? जीरो। तो जीरो रखने पर यहां पर कितना आएगा? टू एन प्लस वन पे जीरो रखोगे तो पाई बाई टू। देखो बेटा पाई बाई टू पे देखो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मतलब देखो ग्राफ फिर यहां से बात खत्म, इसके बाद नीचे फिर बनना स्टार्ट हो गया। तो देखो पाई बाई टू पे ब्रेक हो रहा है, इसके बाद थ्री पाई बाई टू पे ब्रेक हो रहा है, यस या नो? बोलो बेटा। इसके बाद देखना बेटा पाई पाई बाई टू पे ब्रेक हो रहा है, वैसे देखो तो यहां पर बेटा इसीलिए इंटीजर रखोगे तो बेटा जहां जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो वहां पर आपको डोमेन से उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी सब कुछ है। नोट कर लो बेटा इसको। नोट हो गया बेटा? यस। बेटा देखो y इक्वल टू cosec, बेटा cosec x को वन अपॉन साइन x लिख सकते हैं, यस या नो? यस सर। अब देखो बेटा अब इसकी डोमेन देख लेते हैं, पहले डोमेन आपकी आएगी x बिलोंग्स टू रियल माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, ज्यादा समझने के चक्कर मत करना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको भेजे में बसाना पड़ेगा। रेंज जो आएगी इसकी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, देखते हैं। अब ग्राफ से इसकी डोमेन और रेंज क्लियर करते हैं, ठीक है? कोई डाउट? डोमेन और रेंज का यूज क्या होता है बेटा? डोमेन और रेंज ये बेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चार नंबर का जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप लोग ट्वेल्थ के बाद जब जेई दोगे, समझ रहे हो? और आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली। ये वाई है, ये एक्स है। तो cosec x इसका यार थोड़ा सा देखते हैं, इसका ग्राफ देखो देखने की कोशिश, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। ये लाइन पाई बाई टू, इसका ग्राफ जो कुछ, इसका ग्राफ तो बहुत अजीब टाइप का बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। यहां से देखो फिर ये और इसके बाद आपके ये जो आगे ऊपर जाएगा आप लोग, मैं बता रहा हूं यदि इसमें कम समझ में आता है तो बुक से जरूर देख लेना एक बार, ये बुक में सब कुछ मिलेगा आपको, एनसीईआरटी बुक में देखना। नोट कर लो बेटा। अब देखो यहां पे जो डोमेन, अब देखो डोमेन पे जो एन पाई माइनस मैंने किया है
देखो ये जीरो, यहाँ पर देखो जीरो पे, देखो यहाँ पर जीरो रख दो तो जीरो पे देखो बेटा ग्राफ डिफाइंड नहीं है ना, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। फिर देखो 180 पे, ये देखो पाई की लाइन है, पाई पे भी देखो ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखो माइनस पर, ये यहाँ भी देखो पाई की तरफ, ये भी। तो बेटा आपको इसीलिए एन पाई, इसीलिए इसमें बोला गया है, डोमेन से हटा दिया गया है। और रेंज में देखो, रेंज में देखो बेटा ये सब पूरी वैल्यू ले रहा है, माइनस इनफाइनाइट तो ये वन की लाइन है, ये वन की लाइन है, ये माइनस वन की लाइन है। तो बेटा देखो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन तक जा रहा है, इसके बाद देखो ग्राफ नहीं बनना, कहीं पे ग्राफ नहीं है। यस या नो, बोलो बेटा। माइनस माइनस वन और वन के बीच में ग्राफ नहीं है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम, बस ये ग्राफ ऊपर नीचे रहो उसके टेंशन नहीं लेना, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू वन के तक है ग्राफ, इसके बाद वन टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो रेंज हमने लिख लिया, क्योंकि आपको हमने बताया वाई एक्सेस में जितना ग्राफ ट्रेवल करेगा उतना आपकी रेंज होगी, एक्स एक्सेस में जो ट्रेवल करेगा वो डोमेन होगी, ठीक है। बेटा नोट कर लो इसको, बहुत ध्यान से बनाना है। अब देखो जो सेक एक्स का है कुछ ऐसे ही बनेगा, रेंज दोनों की सेम आएगी, केवल डिफाइंड देखना यहां पर पाई जीरो, पाई टू पाई थ्री पाई पे डिफाइंड हो रहा था ग्राफ, तो यहां पर देखना माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, यहां पर ग्राफ डिफाइंड होगा, ठीक है। देखते हैं इसका भी ग्राफ, पहले नोट कर लो आप लोग यार, नोट हो जाए तो मेरे से बता देना। सर वो रेंज में बीच में यू जैसा लिखा है उसका क्या मतलब होता है बेटा? यूनियन, अच्छा ये भी नहीं, अच्छा हाँ शायद ना पता हो आपको, कोई बात नहीं, इसको यू जैसा, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्यों आपको उसमें प्रोबेबिलिटी में तो पढ़ाया गया होगा ना यार 10th में? सर नहीं सर, नो सर नहीं था। अच्छा ठीक ठीक इसको बेटा यू को यूनियन बोलते हैं, उल्टा यू को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये अभी बेटा हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बाद बेसिक मैथमेटिक्स में सब पढ़ा देंगे, ठीक है आपको। अब यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री के बाद पहले अपन लोगों को, हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़नी चाहिए जैसे सेट्स वगैरह, बट सर ने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाओ तो हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा दिया। नहीं जो हमारा सीक्वेंस होता है 11th में तो पहले सेट्स हम पढ़ाते हैं आपको, यूनियन इंटरसेक्शन ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। चलो ट्रिग्नोमेट्री के बाद वही सेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है अपने हिसाब से, है कि नहीं? यस सर। सर फील लगता है कि मतलब सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। अरे टेंशन नहीं लेने का यार, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। जितना ज्यादा आप स्टार्टिंग से अच्छे लेवल का कंटेंट पढ़ने की कोशिश करोगे आपको उतना ही आगे चल के आराम मिलेगा। और स्टार्टिंग में हम आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन के क्वेश्चन कराते रहेंगे, और जब लास्ट में जब पेपर आएगा ना तो वहां पर हवा नहीं लगेगी। तो बेटा ये तो यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। इसलिए पहले स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमें भले पूरा समझ में ना आए, थोड़ा सा सारी चीजें नहीं लगे, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, अब जैसे कभी हम क्वेश्चन आएगा तो उसमें साइन एक्स ग्राफ बनाएंगे, अरे यार हाँ यार सर ने बताया था, आपको तुरंत याद आ जाएगा। और बेटा हमने कभी पढ़ाया ही नहीं और डायरेक्टली हम बना दिए तो कभी पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही करते हैं इसको, बेटा ग्राफ रख कर दूं? यस सर। आप बोल रहे थे ना कि हाँ
बना कर दो सर। ठीक है बेटा, sec x का ग्राफ देखो, अभी मैंने बोला ना केवल और केवल इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर ये डिफाइंड कहाँ पर नहीं होगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू पे डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो ग्राफ बेटा कुछ आपका इस टाइप का बनेगा, यहाँ पाई बाय टू आ रहा है, यहाँ पर माइनस पाई बाय टू, आप लोग खुद ही बना लोगे इसको, इसके बाद फिर बेटा उल्टा एक बार बनेगा। बेटा फिर ये सीधा यू, एक बार उल्टा यू, एक बार सीधा यू, ऐसे ही बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो मिनिमम ग्राफ वन आ रहा है और मैक्सिमम, यहाँ पर वन और माइनस वन के बीच में ग्राफ नहीं है, तो इसकी जो रेंज देखो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन और वन टू इनफाइनाइट। यूनियन का मतलब बेटा ऐड करना होता है जनरली, अभी तो आप इतना सीख लो, इसके बाद जब सेट से पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, ओके सर, नोट कर लो इसको भी। अब इससे आप देख भी सकते हो, यदि यहां पर जीरो रखो, यदि इसमें हमने एन पाई क्यों हटाया था कोसेक एक्स में, बेटा साइन एक्स साइन जीरो रख दो तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, यस या नो? या पाई रखो, टू पाई रखो, इसमें सब में जीरो आ रहा है साइन, तो साइन जीरो आएगा तो वन अपॉन जीरो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, तो तभी इसमें हमने बोला था कि डोमेन में एन पाई हटा दो, मतलब इनफाइनाइट आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए इसीलिए डोमेन पे हट गया चीज। वैसे बेटा यहाँ पर देख लो कॉस एक्स में सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स में कॉस 90 कॉस 270 ये सब देखना है, मतलब कॉस पाई बाई टू कॉस पाई थ्री पाई बाई टू, इसमें सब में जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये वन अपॉन जीरो तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसीलिए देखो ये ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो बेटा पाई बाई टू पे इनफाइनाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, नोट कर लो बेटा। y इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन एक्स, इसकी जो डोमेन होगी x बिलोंग्स टू रियल माइनस एन पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी x बिलोंग्स टू r या माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। अब इसका भी ग्राफ देखते हैं, बस बेटा जैसे tan x से जस्ट अपोजिट बनता है, tan x का ग्राफ कुछ इसका जस्ट अपोजिट बनता है, ग्राफ tan x का कुछ ऐसे से ऐसे बन रहा था, यहाँ पर देखो ऐसे से ऐसे बन जाता है। ठीक है, यस नोट कर लो बेटा।
आप ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ग्राफ नोट हो गए, बाकी है सर। ओके नोट हो गया बेटा? हाँ क्या हुआ बेटा? नोट हो गया सर। बेटा आप देखो थोड़ा सा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप के आएंगे, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना फार्मूले के थ्रू देखते हैं। जैसे बेटा आपसे बोला जाए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, बेटा जब भी आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे और आपसे पूछा जाए इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा मिनिमम वैल्यू के लिए इसका डायरेक्ट जो फार्मूला होता है c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसकी रेंज पूछी जाए, रेंज पूछी जाए तो क्या आएगी मिनिमम टू मैक्सिमम, तो बेटा इसकी c माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू, इसको हमने एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स इक्वल टू से एफ एक्स सी प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बेटा इसकी रेंज है, या कभी कभी आपसे मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी जाए या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप लोग बता दें, ठीक है? इसको मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम कहते हैं, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस। अब बेटा देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हो सकता है, उससे आप लोगों को घबराना मत। आपको एक्सप्रेशन कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी बेटा रेंज है मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया जाए, इसकी जो रेंज क्या आएगी केवल इतना। तो बेटा देखो यहाँ पर सी क्या है प्लस जीरो कर लोगे, सी जीरो है तो यहाँ पर बेटा जीरो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2fx 0 प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया okay. अब बेटा आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कुछ नहीं काफी क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लो पहले आप लोग। बेटा देखो इनकी रेंज निकालते हैं, रेंज या मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? क्वेश्चन इसमें और लिख लेते हैं, ठीक है बेटा।
तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा प्लस एट। अब बेटा देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी, अब इसकी बेटा रेंज निकालनी है हमको। रेंज क्या आएगा, सी कितना है बेटा, यहाँ पर ए कितना है टू, बी कितना है थ्री, सी कितना है एट। लिख लेते हैं एट माइनस रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एफ एक्स, यहाँ से एट प्लस रूट ओवर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, बेटा फाइनली कितना आ गया, एट माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो रूट थर्टीन से एफ एक्स एट प्लस रूट थर्टीन, टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन प्लस फोर थर्टीन। ठीक है बेटा, आपकी यही रेंज आ जाएगी इसकी। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ या कोई डाउट आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बेटा नेक्स्ट वाला क्या करोगे आप लोग, बोलो। हाँ सर। ट्राई करो फिर बताओ मेरे को आंसर। नाइन माइनस रूट थर्टीन और फिर वो जो बीच में लिखा है वो, और फिर नाइन प्लस रूट थर्टीन, बस इजी है ये चीज। और ये बेटा आपको पता है जेई में चार नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हाँ थोड़ा सा इसमें एडिशन करूंगा अभी, मैं जेई में जो क्वेश्चन आया था मैं बताता हूँ अभी कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले आप इसको सीख लो, चारों क्वेश्चन कर डालो बेटा जल्दी जल्दी। इसको एफ एक्स मान मैं या इसको न लिखने की जगह हमने एफ एक्स लिख दिया सिंपली। ठीक है, सारे बच्चे कर रहे हैं ना, विनीत शुभम मोदी ये लोग कहाँ है, सो गए क्या? विनीत शुभम मोदी ये लोग सो गए कि है अभी? यस सर कर रहे हैं। ठीक ओके। अनन्या दिशा? यस सर। ठीक ठीक, मतलब बेटा कभी कभी रिप्लाई दे दिया करो क्लास में, तो आप मुझे लग जाए कि नहीं आप लोग सोते नहीं क्लास में। क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना तो बहुत सोता था क्लास में, मेरे को नींद आ जाती थी, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ। ऐसा तो नहीं आप लोग भी सो गए? हो गया सर। सारे हो गया बेटा, सबको टाइम, अभी दो मिनट का टाइम बेटा सबको, ये सारे बच्चे कर लें। अब बेटा जो जेई में क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं। अभी देखोगे कि सर ये तो चार नंबर तुरंत मिल जाएंगे उनको। द लीस्ट वैल्यू ऑफ, जेई में थोड़ा सा थ्योरी तो लिखेंगे, लीस्ट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना बेटा क्या होता है? लिस्ट मीन्स क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए पहली चीज। वन अपॉन फाइव कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फिफ्टीन। अब देखो बेटा, ये आपका जेई में क्वेश्चन आया था, लिस्ट वैल्यू ऑफ फाइव कॉस एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स प्लस फिफ्टीन। बेटा यदि ये चीज आपको दिख रहा है, यदि हम इस चीज का
यदि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें तो वन अपॉन मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आ जाएगा तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता ही है, निकाल ही लोगे यार। चलो ठीक है, पहले इसकी तो रेंज लिख लो यार, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी डायरेक्टली लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि बेटा सी प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू सी माइनस आती थी तो मैक्सिमम आएगी सी प्लस आएगी। तो बेटा सी कितना है 15 प्लस रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 15 प्लस रूट 169 आ रहा है, 25 प्लस 154 लिख दे रहा हूँ यार, नहीं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। 5 का स्क्वायर बेटा 25, 12 का स्क्वायर बेटा 144। अब बेटा देखो 15 प्लस रूट ओवर 4 प्लस 5 9 426 101, तो बेटा 169 किसका अंडर रूट होता है 13। ओके तो बेटा फाइनली आपका 28 आ गया। तो बेटा यदि मैक्सिमम वैल्यू 28 आ रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, या लीस्ट वैल्यू क्या आएगी 1/28। ठीक है, ये आपका जेई में 4 नंबर का क्वेश्चन था 1/28। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है बोलो। नो सर। बेटा किसी भी बच्चे का तुम्ही नहीं रिदम, कोई दूसरा बच्चा बोले दिनेश शुभम, किसी को कोई डाउट है? दिशा अनन्या, नो डाउट सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो? कोई वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं क्या बेटा? ऐसे भी आप कर सकते हो, साइन एक्स और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रख देना, उससे भी आ जाएगा। बट बेटा जय अभी आप, हम लोग बच्चे हैं ना, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। बोलो। ओके सर। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं अभी, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का। वो बेटा जब 12th में आओगे तो हम बहुत कुछ बताएंगे, सारे क्वेश्चन मैं 12th में भी कराऊंगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग थोड़ा सा। अच्छा हाँ एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रब कर दूं, नोट हो गया बेटा सबका? यस सर। ओके ये क्वेश्चन बेटा सबको 2 मिनट का टाइम है, आप लोग पहले सोचना। इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन 10 थीटा प्लस कोसेक 10 थीटा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट या ए ऑप्शन कितना है 2, बी ऑप्शन 2 की पावर 4, सी ऑप्शन 2 की पावर 8, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। बेटा 2 मिनट आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग सोचिए, ठीक है, फिर मैं आता हूं, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूंगा। सर फर्स्ट वाली आएगी, मतलब 2।
सर टू आ रही है। टू आ रही है वैल्यू? यस सर। ओके बेटा, और किसी का टू आया है कि जय ने गलत किया है? ये वेद और रूसी क्या कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप? रूसी चलिए ठीक है बेटा, देखते हैं। और किसी का आया क्वेश्चन? नो सर। ओके देखते हैं बेटा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है इसका। बेटा साइन थीटा को एडजेट लिख लीजिए, प्लस कोसेक थीटा को बेटा वन अपॉन साइन थीटा लिख लीजिए, इक्वल टू टू। अब बेटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू। साइन थीटा को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में टू की तरफ भेज दो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा को उधर ले आओ एलएचएस में, तो माइनस टू साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ओके अब बेटा क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं, इसके बेटा फैक्टर कर लोगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। बेटा क्लियर है, साइन थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी, साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू वन। बेटा ये स्टेप से ये स्टेप लिख दिया, सबको समझ में आया, किसी को डाउट है बोलो। बेटा डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ओके ठीक है बेटा, अब साइन थीटा इक्वल टू वन आ गया, तो आपसे पूछा क्या गया है, साइन की या साइन थीटा की पावर टेन बोल दे, साइन की पावर टेन थीटा बात एक ही है, प्लस कोसेक थीटा की पावर टेन, यही चीज पूछा गया है। बेटा साइन थीटा की तो जगह आप वन रख दोगे, वन की पावर टेन प्लस कोसेक थीटा क्या लिख लोगे, वन अपॉन साइन थीटा की पावर टेन, तो वन की पावर टेन प्लस वन अपॉन वन की पावर टेन इक्वल टू टू। देखा ना बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। आप लोग गलत ही बताओ, गलत ही ट्राई करो, आप लोगों को बिल्कुल फील आना चाहिए कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को बढ़ने ही मत दो आगे, मैं बताऊंगा 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, बट बेटा टेस्ट में नंबर सबके अच्छे आने चाहिए। ठीक है, टेस्ट में नंबर किसी कम नहीं होने चाहिए। हो गया बेटा क्वेश्चन? यस सर। ओके बोल दिया करो आप लोग रफ करने के लिए। अब बेटा जो एक क्वेश्चन हमने कराया था कुछ नोटबुक में आपकी, अब उसी की प्रैक्टिस और करते हैं। एक क्वेश्चन उसी तरह और मिल गया हमको अभी बुक में, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू वन। आपको देन वैल्यू पूछी गई है, कॉस की पावर 6x माइनस 4 कॉस की पावर 4x प्लस 8 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया गया 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 3, 4 ऑप्शन
सर डी ऑप्शन फोर बेटा। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया तो वैसे ही सेम कुछ यहां पर है, आप लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं इसको? ट्राई करने दो सर। ठीक ठीक ओके। बेटा सारे बच्चे ट्राई करें, आया बेटा किसी का आंसर? सर cos square x की वैल्यू तो निकाल लिया, अभी सर वैल्यू पुट कर रहा हूं। चलिए ठीक है पुट कर लो। चलिए ठीक है अपन लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं इसको। बेटा देखो ये कि पहले इसी से देखते हैं हम लोग, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कुछ ऐसे ही था। तो sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू वन। तो बेटा इस साइन स्क्वायर एक्स को आप आरएचएस में भेज दीजिए, साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, और ये शायद आपको क्या दिख रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके अब बेटा यहां से साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच रहा है वन प्लस
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा यार ये साइन स्क्वायर एक्स को यदि हम कॉस में चेंज करें तो हो सकता है यस या नो? वन प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओके इक्वल टू, क्योंकि हमें तो वैल्यू तो कॉस में सब कुछ दिया हो तो हम यहीं से कॉस में सब कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है अब बेटा ये चीज कितनी आ गई साइन एक्स टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस की पावर टू एक्स। ओके अब बेटा इसको स्क्वायर कर दो यार क्योंकि ये साइन पे स्क्वायर कर देंगे तो इसको भी कॉस में चेंज कर लेंगे। ओके तो बेटा स्क्वायर कर दो बोथ साइड आर स्क्वायर कर दो बेटा। यहां हम सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स की पावर टू। ओके अब बेटा देखो इसको कर दो साइन स्क्वायर एक्स को पहले क्या कर दोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दूसरे ब्रैकेट में इसको ओपन कर लो तो क्या आएगा टू इंटू टू फोर प्लस कॉस की पावर फोर एक्स माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लिया किसी को डाउट है इस स्टेप में? नो सर। नो सर। ओके अब बेटा यहाँ पर देखो कॉस की पावर टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर एक्स। अब बस मल्टीप्लाई करा दो आपका आंसर आ जाएगा मे भी आ जाए शायद देखते हैं बेटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ तो पहले वन का सब में कराते हैं तो फोर प्लस कॉस की पावर फोर एक्स माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बेटा यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का सब में मल्टीप्लाई करा दो माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा फोर कॉस की पावर फोर एक्स इक्वल टू कॉस की पावर फोर एक्स। अब बेटा देखो इसको थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है देखो कॉस की पावर फोर एक्स और कॉस की पावर फोर एक्स कैंसिल आउट हो रहा है यस या नो बोलो बेटा। यस सर। ओके अब बेटा देखो यहाँ पर फाइनली क्या बच रहा है फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स तो बेटा कितना हो गया माइनस का एट इज कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर माइनस का कॉस की पावर सिक्स एक्स प्लस का फोर की पावर कॉस की पावर फोर एक्स फोर इंटू कॉस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। अब बेटा आप ऐसा करो ये पूरा इसको आर एच एस में ले जाओ तो कितना आएगा फोर इक्वल टू एट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस फोर कॉस की पावर फोर एक्स। बेटा शायद हमको लगता है इसी की वैल्यू पूछी गई आपसे यस या नो? यस सर। ओके तो आपके बेटा जो वैल्यू कितनी आई फोर आई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेटा समझ में आया या बाउंस हो गया? सर समझ में आया। ओके हमें नहीं समझ में आया लिख दिया सर। हो गया बेटा। ओके बच्चों हम भी कर रहे हैं बेटा एक क्वेश्चन है देखो बेटा क्वेश्चन कुछ अजीब अजीब दिए जाएंगे आपसे बोला जाएगा एक क्वेश्चन y इक्वल टू टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसका बेटा बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मतलब कैपिटल एम हम लिखे दे रहे हैं ठीक है अपॉन मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम। ऑप्शन दिए गए हैं ए ऑप्शन
सेवन अपॉन फोर बी, इसको मैं बेटा बताऊंगा अभी, क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे नहीं किए ठीक है। इलेवन अपॉन फोर सी ऑप्शन, थर्टीन अपॉन फोर डी ऑप्शन, नॉट मतलब नन ऑफ दिस। ओके बेटा, जब भी आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, आपको साइन एक्स कॉस एक्स इनकी रेंज तो पता है, यस या नो? यस। रेंज मीन्स मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता है हमें। ओके तो वाई इक्वल टू टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा जब भी आपको कुछ कॉस साइन ऐसा कुछ दिख जाए, तो आपको बेटा किसी एक उसमें चेंज करना होगा, या तो आप कॉस में चेंज कर लो या तो आप साइन में चेंज कर लो। तो बेटा यहाँ तो कॉस का तो कुछ चेंज करने का होता नहीं साइन में, बेटा साइन को साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बेटा। हाँ सर। ओके अब बेटा यहाँ पर टू प्लस वन थ्री माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ये चीज क्लियर हुई? आप किसी बच्चे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं, बोलो। यस सर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर नाम का जब भी क्वाड्रेटिक या कुछ क्वाड्रेटिक या टू डिग्री पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर बनाना टेंथ में सिखाया गया आप लोगों को, नहीं नहीं सिखाया गया हो तो मैं सिखाऊं, बोलो। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड। यस बेटा, यस यस यस, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो आती है सर। तो बेटा इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई बता दे बच्चा क्या बनेगा। सारे बच्चे बनाओ, देखते हैं हम भी इसमें। बेटा थ्री माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके बेटा आप ऐसा करो, कॉस स्क्वायर एक्स हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स भी दे दिया गया है, तो आप कुछ परफेक्ट स्क्वायर जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर होता है तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वन। अब यहाँ पर टू ए बी होता है तो टू ए बी इक्वल टू यहाँ पर वन दिया हुआ है, तो हमें b बेसिकली तो b निकालना है। तो बेटा a भी वन दिया तो b इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन टू, तो b स्क्वायर कितना आ गया, वन अपॉन फोर। तो थ्री माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर। बेटा थ्री माइनस, अब ये चीज क्या दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, देख रहा है बेटा, cos x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर। बेटा बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ सबको या किसी को डाउट है, बोल दो बेटा। क्लियर है सर। बेटा सारे बच्चे दिशा अन्य किसी को ऐसा तो नहीं है, किसी को डाउट हो? नो सर। डाउट हो तो बोल देना, पूछ लेना बेझिझक, मैं बोलता हूँ बेझिझक पूछना उससे। अब देखो बेटा, अब ये इसको क्या हुआ जय, मेरा आंसर 1/3 आता। हाँ तुम्हारा आंसर 1/3 आएगा, मेरे को पता है। थ्री माइनस, अब देखो बेटा, अब इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन अपॉन फोर। अब बेटा थ्री प्लस वन अपॉन फोर एड कर दो तो कितना आएगा बेटा, 13/4। थैंक यू, 13/4 माइनस cos x प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर हो बेटा? अच्छा आप बोलो, आप लोग बेटा cos x यहां से बोलो, थोड़ा सा इसको मैं यार ये जो इतना स्टेप है इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है। y इक्वल टू टू माइनस cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद वाई इक्वल टू टू माइनस कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड स्टेप वाई इक्वल टू थ्री माइनस
cos square x minus cos x, मैं ये सब रख के दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखो बेटा, अब यहां से देखते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है cos x की? -1 to 1। ठीक है जय, तुम्हें हाँ हाँ करना ही है, -1 to 1। अब बेटा अब इसमें कुछ इस तरह का हमें बनाना है, इतना कुछ बनाना है हमें, ये पूरा आपको बनाना बेटा। अब इसमें +1/2 पूरी इक्वल टीम कर दें, कोई दिक्कत? -1 + 1/2 cos x + 1/2 = 1/2 + 1। बेटा ये स्टेप किसी को डाउट है? बेटा इनइक्वालिटी के एक रूल होता है कि इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट साइड करोगे और राइट साइड करोगे वही मिडल में करोगे। ठीक है अब इसके बाद -1/2 cos x + 1/2 √3/2। अब बेटा क्या है, अब यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर बेटा क्या आ जाएगा, 0 to cos x + 1/2 √9/4। बेटा ये स्टेप के बाद ये निगेटिव पूरा खत्म हो जाता है, जीरो से स्टार्ट हो जाता है। जब अभी इनइक्वालिटी में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, ये क्वेश्चन अब हो गया तब मुझे याद नहीं था इनइक्वालिटी, नहीं इसको मैं ना कराता। ठीक है अब बेटा इसमें ऐसा करना है, 13 माइनस का मल्टीप्लाई करा दो। इनइक्वालिटी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा ना कभी, बोलो बेटा? नहीं सर। तो ठीक है बेटा इस क्वेश्चन को, नहीं यहीं से रोक दो यार, क्योंकि नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है बेटा इस क्वेश्चन को रोक देते हैं, इसको मैं बाद में करा दूंगा जब इनइक्वालिटी पढ़ा दूंगा। ठीक है ओके सर, क्योंकि वो क्वेश्चन करने हमें जो हमें मतलब आते हैं वो क्वेश्चन नहीं करने जो हमें फालतू का डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है अब बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। इफ a = 2 sin θ / 1 cos θ / sin θ, then 1 + sin θ - cos θ / 1 + sin θ इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन 1/a, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन 1-a, डी ऑप्शन 1+a। क्यों क्वेश्चन बेटा करो, 2 मिनट का टाइम है, इसके बाद फिर मैं बताता हूं। बेटा इसमें कुछ करना नहीं, देखते हैं a = 2 sin θ / बेटा कॉन्जुगेट नाम का काम, नाम सुना है आप लोगों ने, कॉन्जुगेट तो पता होगा ना आप लोगों को? सुना है सर। बेटा यदि इसको a मान लेते हैं, क्या हुआ? नाम तो सुना है पर पता नहीं क्या होता है। बेटा जैसे यदि यहाँ पर a + b दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट a - b होगा। यदि यहाँ पर a + √b दिया हो, यहाँ पर a - √b होगा। ओके ऐसे होता,
देखो बेटा, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, टू, और उसी से मल्टीप्लाई कराना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो बेटा वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा क्लियर हुआ सबको? ए आ जाएगा, बी बी ऑप्शन जो भी है मुझे नहीं पता बेटा। बेटा इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करा दो या एज इट इज रखो, अभी टू साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, बेटा नीचे वाले को इसको ए प्लस बी, इसको नहीं ए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ऊपर तो एज इट इज, बोलो बेटा। सर इसमें वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेना है, तो सर वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करते ना मल्टीप्लाई डिवाइड में। यहाँ पर वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेना है, तो ठीक है बेटा वही कर लेते हैं, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी, चलो उसी से कर दे रहा हूँ आपको। जो आप लोग बोलो वही सब सही है। तो यहाँ पर बेटा हमने वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी माना, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर बेटा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बेटा मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, नीचे क्या जाएगा बेटा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या जाएगा नीचे, वन प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा फाइनली टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसमें क्या जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके बेटा। तो बेटा आपको ये चीज क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को डाउट बोलो? नो सर, नो सर, कोई डाउट तो नहीं है। अब बेटा अब क्या करोगे बोलो आगे, n माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर, बेटा ये इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं हम, क्या बोल रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा सर और 1 भी कट जाएगा, 2 sin theta 1 plus sin theta minus cos theta, बेटा 1 plus sin मतलब नहीं समझ, क्या बोल लो, sin square theta minus cos square theta कुछ बोल रहे हो क्या, बोल लो, नहीं सर cos square theta को है ना 1 minus cos sin square theta कर लेंगे, लिख देंगे फिर ये शायद ये पूरा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin theta कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, हाँ सर, फिर बेटा 2 साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा ही नहीं, नहीं बचेगा कुछ, देख लो बेटा यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, सर ऊपर खाली 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही बचा ना, फिर तो कहां पर सब कट जाएगा ना सर, नीचे तो डिनोमिनेटर ये 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां 2 साइन थीटा कट जाएगा, यस बेटा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या बच रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा। तो देखो बेटा यहाँ लिख रहा है ऊपर क्या बच रहा है, टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन बेटा इससे टू साइन थीटा कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है अंदर वन प्लस साइन थीटा बच रहा है, ये कैंसिल आउट होगा तो बेटा फाइनली क्या आ गया ये आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका बी। ओके क्लियर हो बेटा? यस सर। बेटा आपका होमवर्क आपके क्या हुआ बेटा? जय कुछ यही है लेकिन मैं बोल कुछ और ही रहा था। चलो ठीक कोई बात नहीं बेटा। देखो अब आपके पास जो भी बुक हो कुछ क्वेश्चन आप उससे लगा सकते हैं ठीक है। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री समथिंग खत्म ही है, कुछ चीजें हैं जैसे इनइक्वालिटी वाले कुछ ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो वो अभी जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें कंप्लीट कराने के बाद ट्रिग्नोमेट्री फिर से मैं कुछ चीजें करा दूंगा ठीक है। बट जितना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में होता है ट्रिग्नोमेट्री फेज वन में वो कंप्लीट कर दिए मैंने। ओके बेटा कल हम कुछ शायद बोलो कौन सी बुक ली बेटा? बुक नहीं यहाँ आपका मॉड्यूल मिलेगा, बुक मतलब जो भी आपके पास पढ़ी हो भैया दीदी की किसी की भी बुक पढ़ी हो तो आप कर लेना ठीक है। और सर ना हो तो? ना हो तो कुछ मत करो अभी, जितना क्वेश्चन कराया उन्हीं को फिर से रिपीट करने हो तो नहीं करना ना, फिर मॉड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को खुद ही ठीक है बेटा। कल से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ओके बेसिक मैथमेटिक्स।